नाम बता दो अपना। रोहन गुप्ता। सो रोहन, पेपर कैसा हुआ? पेपर डिसेंट हुआ। यदि हम बात करें तीनों सब्जेक्ट की, कौन सा डिफिकल्ट लगा, कौन सा मॉडरेट? मैथ्स दोनों में एक तरह लेंदी था, डिफिकल्टी लेवल मैथ्स का इतना नहीं था, लेंदी था मेनली। और केमिस्ट्री बाकी पिछले दो पेपर्स में थोड़ी अच्छी आई थी। अच्छा, यदि मैथ्स की बात करें तो कितने तुम्हें ऐसे सवाल लगे जो बिल्कुल आसान लेवल पे हैं? मैथ्स में 7 to 8 क्वेश्चन आते थे जो बिल्कुल एकदम आसान थे, बिल्कुल आसान बेसिक लेवल के, और कर सकते थे। और टफ जो तुम्हें ज्यादा ही मुश्किल लगे इतना कितना वो था? उनमें 3-4 क्वेश्चंस थे जो बहुत मतलब देख के ही घबरा जाए आदमी। कौन सा पोर्शन ज्यादा पूछा गया था मैथ्स में? मैथ्स में जैसे कॉनिक सेक्शंस के 3 क्वेश्चन आए थे, 2-3 क्वेश्चन, और डिस्ट्रीब्यूट था, कोई पर्टिकुलर टॉपिक से कोई कंसंट्रेट नहीं था। और यदि केमिस्ट्री में बात करें तो जेई मेंस स्पेसिफिक जैसे चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री डे इन एवरीडे लाइफ हुआ, तो ऐसे चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए थे? जैसे जो अभी चल रहा था ना, जैसे कार पॉलीमर्स और उनसे जो आ रहे थे, इतने क्वेश्चन नहीं आए इस बार उनकी इतनी टोटल मिला के 3-2 क्वेश्चन आए होंगे। तो केमिस्ट्री में तीनों पोर्शन की बात करें तो कौन सा पोर्शन ज़्यादा पूछा गया? फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की वेटेज अच्छी थी, अच्छी खासी वेटेज थी। हाँ, फिजिकल सिर्फ न्यूमेरिकल्स में आई थी। अच्छा, बाकी में फिजिकल थी नहीं? हाँ, मतलब आसपास नील के बराबर। और यदि हम बात करें कि एनसीईआरटी थी तुमने पढ़ी हो, तो कितना पोर्शन था केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से? एनसीईआरटी में बेसिक ऑर्गेनिक में तो केमिस्ट्री चलती है, एनसीईआरटी चलती है, एनसीईआरटी से आते जाते रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शंस तो हार्ड नहीं थे, बेसिक बेसिक रिएक्शन थे। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में कैसा था, कोई ऐसा पोर्शन जो ज़्यादा? फिजिक्स में इस बार जैसे मॉडर्न फिजिक्स का बहुत वेट बता रहे थे, पर इस बार मॉडर्न फिजिक्स ज़्यादा आई नहीं। अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स इतनी नहीं आई, और फिजिक्स कम बहुत मतलब बहुत आसान नहीं थी। चलो, ओके, थैंक यू।